आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा AI टूल लेके आया हूँ जिसमें आपको काफी सारे AI टूल देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि वीडियो एडिट करने के लिए टूल की बात करें तो आपको मिल जाता है वीडियो एडिटर टूल, वीडियो इनहेंसर, ऑब्जेक्ट रिमूवल, बैकग्राउंड रिमूवल और नॉर्मल वीडियो को एनिमे स्टाइल में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर ऑडियो की बात करें तो आप लोगों को मिल जाता है AI म्यूजिक जनरेटर, AI साउंड इफेक्ट जनरेटर, AI सॉन्ग कवर, वोकल रिमूवल टूल, नॉइज रिड्यूसर टूल और AI वॉइस चेंजर भी देखने को मिलता है। और भी बहुत कुछ है जो आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा, बट मैं आपको इसकी एक खास बात बताऊं, ये जितने भी टूल आपको इसमें दिखेंगे ना, आप लोग सबके सब यूज कर सकते हो ऑनलाइन ही। हाँ, मतलब आपको कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें चाहे उसमें यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ही अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो, जो कि इसकी एक खास बात है। तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बाद में याद से चेक जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है media.io। ये वेबसाइट का नाम आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और जो बड़े बड़े क्रिएटर, मैक्सिमम जो क्रिएटर होते हैं जिन्हें कम टाइम में बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ एडिट करना होता है, तो वो ये वेबसाइट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है ऑनलाइन एडिटर। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कितने सारे आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं। और स्पेशली भाई ये AI वाले टूल ना बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मैं यूज कर चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखो, यहाँ पे आपको दिखता है स्टार्ट एडिटिंग नाउ, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोडक्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको कितने सारे प्रोडक्ट और टूल्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी ऑनलाइन वाले। तो ये प्रोडक्ट पे हम लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे यहाँ पर इनके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अभी नया नया इनका एक फीचर आया है वीडियो एडिटर, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो आप यहाँ से अपनी वीडियोस वगैरह को एडिट कर सकते हो, वीडियोस को इनहेंस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अगर वीडियो में का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव करके देता है। अगर वीडियो में कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और आजकल आप लोगों ने देखेंगे कि आजकल वो AI वाली कार्टून टाइप की वीडियो बहुत चल रही है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। और वीडियो में यहाँ पर आपको क्लिपर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर वीडियो में वाटर मार्क वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छे से इसको रिमूव करता है। ये आपको मैं ट्राई करके जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, बाजू में आपको AI टूल भी देखने को मिलता है, देख सकते हो भाई ये सब ऑनलाइन वाले है, मतलब इतना कुछ आप लोग कर सकते हो। वीडियो एंड ऑडियो को लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर फोटोज को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और भी टूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलो अब चलते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ, और सबसे जो इनका हॉट वाला प्रोडक्ट है वीडियो एडिटर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसका इंटरफेस कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप एक न्यू यूजर हो, बिगिनर्स हो, तो भाई आपके लिए परफेक्ट ही है। यहाँ पे स्टार्ट आपको देखने को मिल रहा है, रिसेंट में आपने जो भी यूज किया वो दिखेगा। जैसे कि देखो ये AI टूल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो काफी सारे AI टूल देखने को मिल जाते हैं। और अगर नीचे टेम्पलेट पे क्लिक कर दूंगे आप लोग तो यहाँ पर आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट पर हम लोग आते हैं और एक वीडियो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और एक वीडियो ले लेते हैं। जैसे कि ये वीडियो हमारी इंपोर्ट हो गई और इसको प्लस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर ये टाइमलाइन में हमारे वीडियो आ जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारी वीडियो आ गई। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सिंपल तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये वीडियो है, आप लोगों की वीडियो में कट्स लगाना, तो यहाँ पर देखो स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, बस इस पर स्प्लिट करेंगे तो देखो ये पार्ट दो पार्ट में वगैरह यहाँ पर हो चुके हैं कि नहीं। और यहाँ पर जैसे मान के चलो आप लोगों को यहाँ पे कोई टेक्स वगैरह ऐड करना, तो इस पर आप लोग क्लिक करो और यहाँ पर आप लोगों को डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आकाश, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद इसको थोड़ा साइज में ही कर लूँगा और इसको मैं ऐसे नीचे लेके आ जाऊँगा। अब इसको मेरे को टेक्स को अच्छे से एडिट वगैरह करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ से जैसे मान लो मेरे को ग्लो टाइप में चाहिए तो मैं ग्लो में इसको यहाँ पे बस इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये ग्लो टाइप में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से आप लोग खुद भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो है वही यूज़ कर सकते हो। मतलब ओवरऑल आप लोग यहाँ से अपना जो टेक्स्ट है उसको अच्छी तरह से यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हो तो वो भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कुछ एनिमेशन लगाना तो एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते, जैसे कि यहाँ पर ये टाइप राइटर वाला मिल जाएगा और ये लगा देंगे आउट में। और अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं भाई टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा करना है, तो यहाँ से आप लोग इसको छोटा भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो मेरे को और छोटा करना है कि बस इतना सा मेरे को रखना है, हाँ। तो कुछ इस तरह से आप लोग ये एनिमेशन भी इसमें टेक्स्ट ऐड करके आप लोग एनिमेशन भी दे सकते हो। अब इसके नीचे आप लोगों को ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोग खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक बना सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है AI जनरेटेड म्यूजिक, AI जनरेटेड साउंड इफेक्ट। अगर साउंड इफेक्ट खुद आप लोग अपने हिसाब से जनरेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। चलो आपको मैं सबसे पहले मैं जनरेट करके
दिखाता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मेरे को मान लो इसके लिए मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्टाइल टू म्यूजिक, मतलब यहाँ पे आपको काफी सारे स्टाइल मिल जाएंगे। आपको जो भी कैटेगरी आपकी होंगी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको ये नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है टेक्स्ट डाल के, तो यहाँ पर टेक्स्ट टू म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना सा डाला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था प्रॉम्प्ट क्या डालना, तो मैंने डाला हूँ फास्ट सिनेमैटिक इंट्रो, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेना कि आपको कितने मिनट का चाहिए। देखो यहाँ से आप लोग 30 सेकेंड से लेके तो आप लोग 4 मिनट तक की जो बैकग्राउंड म्यूजिक वो बना सकते हो, बट मैं 1 मिनट तक का रहने दूंगा और यहाँ पर मैं जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। तो जब आपके बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो होंगे आपके जनरेट किए हुए बैकग्राउंड म्यूजिक, और आपको 3 बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करके मिलते हैं। उसमें से आप लोगों को जो अच्छा लगा आप लोग वो फाइनल कर सकते हो, जैसे कि ये पहला वाला। उतना भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो हम सेकंड वाला सुनते हैं। तो ये काफी सही लग रहा है, फास्ट है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब तीसरा वाला भी सुन ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट करके मिलते हैं। 3 में से आपको जो अच्छा लगे आप लोग वो सिलेक्ट कर लेना, और बस आपको जो अच्छा लगे बस आपको यहाँ पे प्लस का जो ऑप्शन दिख रहा है ना आइकॉन, उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर वो बैकग्राउंड आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग एक AI की मदद से बैकग्राउंड म्यूजिक को जनरेट कर सकते हो। चलो सबटाइटल्स भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं सबटाइटल्स पर, और यहाँ पर आप लोगों को जो लैंग्वेज वो सिलेक्ट करना होगा। हमारी इंडियन लैंग्वेज भी है यहाँ पे, देखो इसे हिंदी में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ। हमको इसको किस में ट्रांसलेट करना है, तो हम लोग चाहते हैं इंग्लिश इंडिया में, और जनरेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियोज़ में जो सबटाइटल्स है वो यहाँ पर लग चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये स्क्रिप्ट है सबटाइटल्स की, यहाँ पर देखो आपके सबटाइटल्स लग चुके हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ गलती वगैरह लग रही, तो यहाँ पर सिंपल बस यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा तो आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो है आपके सामने है, मैंने आपको सब दिखा दिया है। अब देखो ये जो वीडियो एडिटर है इसके अंदर आपको AI टूल भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखो AI टूल्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे। जैसे कि वीडियो के लिए अगर चाहिए तो वीडियो के लिए आपको मिल जाएंगे, ऑडियो के लिए मिल जाएंगे, फोटो के लिए मिल जाएंगे। अब देखो मैं सबके सब तो आपको ट्राई करके नहीं दिखा सकता, आप लोग खुद कर लेना, बट मैं आपको एक दो कुछ ट्राई करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये वाला जो आपको नया नया दिख रहा हूँ यहाँ पर, ये है लॉन्ग वीडियो टू शॉर्ट वीडियो। अब देखो आप लोगों ने रील्स पर शॉर्ट्स पर डेफिनेटली जो पॉडकास्ट वाली वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होंगी, तो वो शॉर्ट्स में कट कट होके आते हैं, तो आप लोग वो भी यहाँ पे कर सकते हो। बड़ी सी जो वीडियो आप लोगों ने आधे घंटे की ले ली इसमें, तो आपको यहाँ पर जो शॉर्ट छोटे छोटे क्लिप आपको जनरेट करके मिल जाएंगे। जैसे कि मैं क्रिएट वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो चलो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। छोटी सी वीडियो मैंने लिया, उतनी बड़ी वीडियो यार कौन डाउनलोड करेगा। तो मैंने मिस्टर बीट का एक पॉडकास्ट का वीडियो ले लिया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमारी जो क्लिप है वो जनरेट करके मिल चुकी है, यहाँ पर देख सको यहाँ 12 सेकंड की बना के मिल गई है हमको, और यहाँ से हम लोग प्ले करके देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है, और परफेक्ट तरीके से जो लैंडस्केप वाली वीडियो था उसको देखो यहाँ पे बराबर इसने अच्छी तरह से, क्वालिटी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बराबर से इसने पोर्ट्रेट साइज में हम लोगों को जनरेट करके दिया है ये क्लिप। और यहाँ से बस सिंपल बस एक्सपोर्ट बटन पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो वीडियो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो जब भी मैंने जैसे कि कहा था कि आप लोग AI की मदद से वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो, तो ये इसकी मदद से आप लोग अपने देखो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो वाटरमार्क है उसी को रिमूव कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर सकते हो, कुछ इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ट्राई इट ऑनलाइन पर मैं क्लिक करता हूँ, अपलोड पर क्लिक करते हैं, अपलोड ईयर पर क्लिक करेंगे, और ये एक वीडियो है। देखो ये वीडियो में वाटरमार्क आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे वाटरमार्क जानबूझ के मैंने किया है ताकि मैं इसका रिमूव करके आपको दिखा पाऊँ। इस पर क्लिक किया, इसका ब्रश का साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं, हाँ अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हमारे जो वीडियो में जो वाटरमार्क था वो रिमूव हो गया है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो वाटरमार्क आ रहा था वो भाई रिमूव हो गया, कितना बढ़िया तरीके से रिमूव हुआ है। यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी वीडियो को जो मेरे काम आने वाली है। तो कहा था ना मैंने कि ये एक ही वेबसाइट में आपको काफ़ी सारे AI टूल देखने को मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे AI टूल आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इन सारे AI टूल में से आपका फेवरेट AI टूल कौन सा है मुझे याद से ज़रूर बताना। मेरा तो भाई AI म्यूजिक जनरेटर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो इस वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हो तो इस वेबसाइट पर आप लोग चले जाओगे। तो अब चलता हूँ, लेकर आता हूँ न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।